सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। करने वाले विधवा महिलाओं की भी पेंशन की राशि को रोक दिया था, लेकिन हमारी सरकार वर्तमान में प्रदेश के अंदर 1 करोड़ दिव्यांगजन, वृद्धजन और विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, अगर मैं आपके कासगंज की ही बात करूं, 8,400 दिव्यांगजनों को, 21,200 निराश्रित महिलाओं को और 12,600 से अधिक वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को यहां पर सालाना 12,000 रुपए पेंशन की सुविधा हमारी सरकार डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध करवा रही है। अकेले कासगंज जनपद में वर्तमान में 10 लाख लोगों को कोरोना कालखंड में डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की हर महीने 2 बार राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार कर रही है। और यही नहीं भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में भी 7,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास इस जनपद में मिला है। 9 जवानों को टैबलेट में स्मार्टफोन दिया जा रहा है। जब आप टैबलेट में स्मार्टफोन देने का कार्य करते हैं तो समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को शिकायत करती है। हमने तय किया है वर्तमान में 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं और सरकार करेगी अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का कार्य सरकार करेगी। शादी के लिए सामूहिक विवाह की योजना, ये सभी कार्यक्रम आज सरकार के हिस्से, सरकार की संवेदना गांव के विकास के लिए है, गरीब के कल्याण के लिए है, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए है, नौजवान के रोजगार के लिए है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा के प्रति है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार क्या कर रही है, उनकी संवेदना किसके प्रति है? भाइयों बहनों, उनकी संवेदना याद करिए, जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, पहला काम किया था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। चीजें बहुत स्पष्ट है, उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी, पेशेवर अपराधियों के प्रति थी, पेशेवर गुंडे और माफियाओं के प्रति थी, गरीबों के प्रति नहीं थी। और यही कारण था कोरोना कालखंड में समाजवादी पार्टी का नेता कहीं नहीं दिखे होंगे। सरकार है डबल डोज वैक्सीन भी दे रही है, फ्री है वैक्सीन, सबको वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है, कोरोना की वैक्सीन कितने लोगों ने ली है, दोनों हाथ मार करके आप लोगों ने अपना मंतव्य यहाँ पर बताया है। भाइयों बहनों, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। कोरोना के खिलाफ ये देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, दुनिया को इसने पस्त किया है, लेकिन भारत के अंदर भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ जीवन और जीविका को बचाने का कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। और आज इसीलिए मैं कह सकता हूँ,
जीवन भी बचाया गया, जीविका को भी बचाया गया, बीमारी से भी और भूखमरी से बचाने का जो वीर प्रयोग भारत का है, दुनिया उसकी सराहना कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता क्या कोरोना काल में हालचाल पूछने के आए थे? और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के ये लोग गुमराह कर रहे थे। वैक्सीन के बारे में कहते थे मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है। अब उनको बताइए, अगर ये मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन हमारी जान को बचाएगी, तो जो जीवन का सच्चा साथी होगा, जो जीवन बचाने वाला होगा, वही सच्चा साथी होगा। बाकी तो अवसरवादी होंगे, हमें अवसरवादियों का साथ नहीं देना है, हम तो जीवन बचाने वालों के साथ होंगे। और भले बहनों, इसीलिए सरकार ने तय किया है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। अपराध को स्वीकार नहीं करेगी, अपराधियों के भी किसी प्रकार की कोई राम नहीं करेगी। जिस मजबूती के साथ सरकार लड़ रही थी, प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक नौजवान को सुरक्षा दे रही थी, ये कार्यक्रम हमारा अनवर किसी रूप में चलता रहेगा। आज यही आह्वान करते हुए मेरी आप सबसे विनम्र अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोग के प्रत्याशी आपके बीच में दिए हैं, श्री देवेंद्र सिंह राजपूत कासगंज से और रमापुर से श्री हरिओम वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देंगे? आप इन दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से चुनाव जिता करके लेके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।